हाय दोस्तों स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर सो so, दोस्तों आज के हम देखने जा रहे हैं गेट लाइफ साइंस का सब्जेक्ट माइक्रोबायोलॉजी उसका टॉपिक नंबर फोर मतलब चैप्टर नंबर फोर जो कि है प्रोकेरेटिक एंड यू सेल ओके उसके स्ट्रक्चर और फंक्शन सो so, दोस्तों इस वोडियो में हम दो और दो दो से दो तक के जितने भी क्वेश्चन मतलब प्रीवियस ईयर भी क्वेश्चन पूछ गए हैं वो सब देखेंगे ओके okay, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो कि गेट ट्वेंटी फोर में पूछा गया था टू मार्क्स के लिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म इन प्रो कैरोटिक्स वेयर द सब्सटेंस इज केमिकली अल्टर्ड ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट एकरॉस द मेम्ब्रेन सो उसका सही आंसर है ग्रुप ट्रांसलोकेशन ओके ग्रुप ट्रांसलोकेशन इज अ एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म इन प्रो कैरोटिक्स वेयर द सब्सटेंस इज केमिकली अल्टर्ड ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट एकरॉस द मेम्ब्रेन इस इस टॉपिक को हम दो पार्ट्स में कवर करेंगे आज हम टोटल फिफ्टी क्वेश्चन है सो हम आज ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन करेंगे और नेक्स्ट पार्ट में ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन करेंगे ओके तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि गेट ट्वेंटी थ्री में पूछा गया था विच वन ऑफ द स्टेटमेंट्स अबाउट बैक्टीरियल फ्लैजिला इज़ करेक्ट ओके मतलब नीचे दिए गए तीन स्टेटमेंट्स हमारे रॉन्ग होंगे अबाउट बैक्टेय के फ्लैजिला के रिलेटेड और एक स्टेटमेंट जो कि करेक्ट है वो क्या है फ्लैजिला ओरिजिनेट्स फ्रॉम बेसिल बॉडी ओके ऐसा ही है सो so, हमारा आंसर क्या है फ्लैजेला ओरिजिनेट फ्रॉम बेसल बॉडी और जो बाकी के तीन पॉइंट्स है हमारे वो सब गलत मतलब है मतलब इनकरेक्ट है लाइक फ्लैजेला वेरीज इन लेंथ रेंजिंग फ्रॉम पॉइंट फाइव टू टू माइक्रोमीटर एक गलत है फ्लैजेला आर एडजेसेंट फेब्रिल्स विथ रेगुलर पैटर्न एक गलत है फ्लैजेला हेल्प्स इन कॉन्जुगेशन ए भी गलत है बट फ्लैजेला औरजिनेट्स फ्रॉम बेसल बॉडी एक करेक्ट है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन दो हज़ार चौबीस में ये पूछा था टू मार्क्स के लिए विच ऑफ़ द फॉलोइंग इवेंट्स ऑफर्स ड्यूरिंग ट्रांसलेशन इन प्रोकेरोटिस मतलब ऐसे कौन कौन से इवेंट्स होते हैं जो कि प्रोटीन uh, मतलब प्रोकेरोटिस में ट्रांसलेशन होता है ओके okay. मतलब प्रोकेरोटिस का ट्रांसलेशन होने में वो इवेंट्स होते हैं मतलब प्रोसीजर्स होती है लाइक like मेथड्स हो गए तो कौन कौन से ये मेस को टाइप का क्वेश्चन है मतलब मल्टीपल सेलेक्टिव क्वेश्चन उसके दो और उससे ज़्यादा भी आंसर सही हो सकते हैं so, उसके हमारा आंसर है ट्रांसलेशन इन प्रोकेरटिस इन ऑल मेथड्स लाइक इवेंट्स फर्स्ट टी आर एन ए बाइडिंग टू द स्टार्ट कोडन ऑफ एम आर एन ई ऑन द थर्टी सब यूनिट ऑफ रायबोजम नेक्स्ट द रायबोजोम कंटिन्यूज टू मूव एलोंग द एम आर एन ए टू एड न्यू अमानो एसिड्स टू द पॉलीपेप्टाइड नेक्स्ट द पॉलीपेप्टाइड इज रिलीज वेन द रायबोजोम रिचेज द स्टॉप कोडन ओके ये तीन पॉइंट्स हैं हमारे जो कि ट्रांसलेशन इन प्रोकोरिटीज में आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स दो हज़ार में पूछा था मतलब 2024 में इससे बहुत सारे क्वेश्चन आए थे विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म हैज एक्जियल फिलामेंट्स ओके सो उसका, उसका, उसका आंसर है ट्रेपोनिम पैलेडम माइकोबैक्ट्रियम टूबेकोलासिस पैचोरेला माल्टी कोडाया शिगेला डिसेंट्रिया इस सब में नहीं होता है एक्जेल फिल्मेंट्स बट ट्रेपोनोम पैलेडम में एक्जेलेक्जियल एक फिल्मेंट्स होता है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा 2023 का है टू मार्क्स के लिए विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज़ आर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड इनक्लूजन बॉडीज़ ओके नॉन मेम्ब्रेन बाउंड और जो बाकी के होंगे वो मेम्ब्रेन बाउंड होंगे सो so, हमारे नॉन मेम्ब्रेन बाउंड इंक्लूजन बॉडीज़ कौन कौन से हैं? जो वो है साइनोफाइसिन ग्रेन्युल्स एंड पॉलीफॉस्फेट ग्रेन्युल्स ये दोनों भी हमारी नॉन मेमरेन बाउंड इंक्लूजन बॉडीज़ है और मेमब्रेन बाउंड में कौन कौन आती है कार्बोक्जिजोम्स आते हैं और पॉलीबिटाहाइड्रॉक्ब्यूटरेट ग्रेन्यूल्स आते हैं ओके सो साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल्स एंड पॉलीपेस्पिट ग्रेन्यूल्स मतलब दोनों ग्रेन्यूल्स लाइक आर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड इंक्लूजन बॉडीज नेक्स्ट असर्शन एंड रीजन सो असर्शन क्या है हमारा एंडोस्पोर कैन सरवाइव हिट दैट वुड रैपिडली किल सेल्स ऑफ द सेम स्पेसिस रीजन इन एंडोस्पोर्स द प्रोटोप्लाजम इज रिड्यूस टू मिनिमम वॉल्यूम एज अ रिजल्ट ऑफ द एक्ुमलेशन ऑफ कैल्शियम डाइपीकोलिनिक एसिड कॉम्प्लेक्सेस एंड स्मॉल एसिड सॉल्यूबल स्पोर प्रोटीन्स विच फॉर्म्स अ साइटोप्लाज्मिक जेल एंड थीटक्स मतलब असर्शन भी करेक्ट है रीजन भी करेक्ट है मतलब असर्शन का रीजन भी करेक्ट है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन मैच द पेयर से बैक्टीरिया टू देर फंक्शन मतलब स्ट्रक्चरल कॉम्पोनेट्स दे है बैक्टेरिया के और उनके कॉम्पोनेट्स क्या है मतलब उनके फंक्शन क्या है वो बता हमें ओके फ्लाजिला का फंक्शन क्या होता है केमोटैक्सिस सेलवॉल का प्रिवेंट सेल लाइसिस मेटाक्रोमेटिक ग्रैनुल्स का स्टोरेज फॉर ए एंड सेल ओरिएंटेशन का फंक्शंस क्या रहता है मैग्नीटो ओके याद रखिए फ्लैजेला फॉर केमोटैक्सिस सेल वॉल प्रिवेंट सेल लाइसिस मेटाक्रोमेटिक ग्रैनुल्स स्टोरेज फॉर ए सेल ओरिएंटेशन मैग्नीटो ओके ये हो गया मैच द पेस नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ़ द्स फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू फॉर आर्चिया हमने पिछले वीडियो में भी देखे थे अर्चिया पर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे तो so, देखिए कौन कौन से उसके पॉइंट है जो कि सही है मेथ्यूनिन इज द फर्स्ट अमोनियो एसिड यूज ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस इन आर्चा ओके ये सही पॉइंट है अर्चा uh, में जब सबसे पहले प्रोटीन सिंथिस होता है सो so कौन सा अमोनियो एसिड्स यूज होता है सो मेथ्यूनिन यूज होता है नेक्स्ट मेमरेन ऑफ अर्ची कंटेंस फैटनिन रैदर दैन फैटी एसिड्स मतलब जो अरचे हमारे बैक्टीरिया हो गए वो उनके सॉरी बैक्टीरिया नहीं माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए अरची सो so, उनके सेल मेम्ब्रेन में क्या कंटेंट रहता है फैटानिल कंटेंट रहता है देन फैटी एसिड्स ओके अदर ऑर्गेनिज्म के क्या रहता है फैटी एसिड्स रहता है बट अरचे में क्या रहता है हमारा फाइटेल ग्रुप रहता है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन द एंटी माइक्रोबेल एक्टिविटी ऑफ वैंकोमाइसिन इज ड्यू टू मतलब की मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पूछी थी उन्होंने वो, वो कैसे एक्ट करता है सो so, वैंकुमाय क्या करता है सेल वॉल को इनिबिट करता है ओके वैंकोमाइसिन माइसिन लास्ट में क्या है आयन आयन मतलब इनिबिशन ओके सो हमारे ऑप्शन सी और डी एलिमिनेट हो जाते हैं बचे इनिबिशन इनिमिशन ए और बी ओके सो वैंकुमायसिन हमारे सेल ऑल को डिग्रेड करता है मतलब इनिबिट करता है ओके okay. सिंथेसिस so, को इनिमिट करता है सो so, उसका सही आंसर है वैंकोमाइसन इज द मैकेजम ऑफ एक्शन इट्स इनिबिशन ऑफ सेल ऑल सिंथेसिस नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रेजेंट इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया मतलब ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का उन्होंने कंटेंट पूछा है मतलब क्या क्या प्रेजेंट रहता है ग्राम नेगेटिक बैक्टेरिया में एंडोटॉक्सिन प्रेजेंट रहते हैं पेरी प्लाजम प्रेजेंट रहते हैं और लिप पॉलिस के रेड प्रेजेंट रहते हैं बट टिकोइक एसिड प्रेजेंट नहीं रहते ओके सो टिकॉइक एसिड एब्सेंट इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया लाइक एंडोटॉक्सिन पेरी प्लाजम एंड लिप पॉलिसक्रेड आर प्रेजेंट इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग म्यूटाजेंस कन्वर्ट डी एन ए डी एन एस एड ए नाइन टू हाइपोक्न मतलब ऐसा कौन सा म्यूटाजन है जो कि डी एन ए को डी एन ए के एडा नाइन जो रहता है उसको कन्वर्ट करता है हाइपोक्जेंथिन में उस म्यूटाजन का नाम है नाइट्रस एसिड नाइट्रस एसिड म्यूटाजेंस कन्वर्ट डी एन एस एड नाइन टू हाइपोक्न नेक्स्ट नॉनसेंस सप्रेसर म्यूटेशन इज फाउंड इन टी आर एन ए नॉन सप्रेसर म्यूटेशन इज फाउंड इन टी आर एन ए मैच द पेरस मैच द पेरस में फिर वही क्वेश्चन है उधर आपको कॉम्पोनेंट का नाम दिया है और उसका फंक्शन दिया है ओके एपरेटिस का फंक्शन क्या है फ्रेंड्स प्रोटीन सॉर्टिंग के लिए न्यूक्लियोलोस का राइबोजोमल आर सिंथेसिस होता है वहाँ पर न्यूक्लियस में पेरोक्सिजोम में क्या होता है लिपिड डिग्रेडेशन होता है प्रोटिजोम में क्या होता है प्रोटीन डिग्रेडेशन होता है ओके सो ए हो गया हमारा कंपोनेंट्स uh, और सेल्युलर ऑर्गेन एंड देर इट्स फंक्शन लाइक गोल्गी एपरेटस प्रोटीन सॉल्टिंग न्यूक्लियोलस राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस पेरोक्सिजोम लिपिड डिग्रेडेशन एंड प्रोटिजोम जो मतलब डिग्रेडेशन वर्ड याद रखिए दोस्तों और लाइक कहाँ पर भी जोम आ गया समझ लेने डिग्रेडेशन के लिए है पेरो, पेरो लिपिड ओके पेरोजिजोम लिपिड डिग्रेडेशन प्रोटीओजोम प्रोटीन डिग्रेडेशन प्रोटीओ मतलब क्या है उसके नाम में देखिए प्रोटीओ मतलब प्रोटीन जोम मतलब डिग्रेडेशन ओके मैंने भी आपको बताया कि जोम मतलब डिग्रेडेशन और प्रोटीओ मतलब प्रोटीन डिग्रेडेशन ओके नेक्स्ट क्वेश्चन ग्रेन्युल्स आर इंक्लूजन बॉडीज फाउंड इन बैक्टीरिया विच ऑफ़ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट ग्रैन्यूल्स ओके अबाउट्स ग्रैनुल्स सो ग्रेन्युल्स के बारे में हमें पॉइंट्स बताने हैं जो कि ट्रू है ग्रेनुल्स कैन बी स्टोरेज वेसल्स फॉर कार्बोहाइड्रेट लिपिड्स ए सही है सम ग्रेन्यूल्स सप्लाई सब्सटेंसेज फॉर अ वाइटी ऑफ मेटाबोलिक प्रोसेस ए भी सही है ओके सो ग्रेन्युल्स के बारे में कौन से दो पॉइंट हमारे सही है ग्रेन्यूल्स कैन बी स्टोरेज वेसल्स फॉर कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड्स सम ग्रेन्यूल्स सप्लाई सब्सटेंसेस फॉर अ वाइटी ऑफ मेटाबॉलिक प्रोसेसेस ओके ये हो गया हमारा क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थर्टी सिक्स हो गया अभी थर्टी फाइव हम पीछे जा रहे दोस्तों मतलब टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर से हम पीछे तो, तो तो जा रहे हैं प्रिवाइस केयर के देख कर ओके सो अभी का क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्यूलर स्ट्रक्चर्स आर एबसेंट इन यू कैरोट्स एंड आर प्रेजेंट एटलीस्ट इन सम प्रोकेरटिक ऑर्गेनिज्म मतलब ऐसे कौन से कॉम्पोनेंट हैं जो कि यू कैरटिस में एबसेंट होते हैं बट प्रो कैरटिस में प्रेजेंट रहते हैं सो so, उसका आंसर दोस्तों न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोइड ओके okay? एंड पीली ये जो दो आ, सेल कॉम्पोनेंट्स से, है लाइक न्यूक्लियड और पीली ये दोनों ग्राम निगेटिव में एबसेंट रहते हैं मतलब सॉरी यू कैर में एबसेंट रहते हैं बट प्रो कैरट्स में प्रेजेंट रहते हैं बाकी के सब रेस्परेटरी एन्जाम्स हो गए राइबोसोम हो गए इंटरनल मेमरिज हो गए वो सब हमारे न्यूक्रट्स में प्रेजेंट रहेगी विच पार्ट ऑफ द लिप पॉलिसक्यराइट हैज़ टॉक्सिक प्रॉपर्टीज विच पार्ट ऑफ द लिप पॉलिसक्यराइट्स हैज़ टॉक्सिक प्रॉपर्टीज दैट मेक सम बैक्टीरियल इन्फिक्शियस और पोटेंशियली सीरियस मेडिकल प्रॉब्लम सो लिप पॉलिसक्राइड का जो टॉक्सिक प्रॉपर्टी कौन सा है पार्ट कौन सा है जो कि है लिपिड ए पोर्शन जो कि है लिपी पॉलिसक्राइड्स का टॉक्सिक प्रॉपर्टीज ओके नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग यू कैरोटिक सेल्युलर कॉम्पोन कैरीज आउट इंट्रा सेलुलर डिग्रेडेशन ड्यूरिंग ऑटोफेजी मतलब ऐसे कौन सा कॉम्पोनेंट है यू कैरोटिक सेल का जो कि इंट्रा सेल्युलर डिग्रेडेशन को आ, ये करता है इंट्रा सेल्युलर को डिग्रेडेशन करता है ड्यूरिंग ऑटोफेजी उसका नाम है लाइसोजोम सो लाइसोजोम इज द यू कैरोटिक सेलूलर कॉम्पोन कैरीज आउट इंट्रा डिग्रेडेशन ड्यूरिंग याद रखिए लाइसोजोम द इनर माइटोकॉन्ट्रिल काइसेस ऑफ सीरीज ऑफ फोल्ड्स नोन एज क्रिस्टी ओके उनको क्या बोलते हैं क्रिस्टी बोलते हैं कंप्राइस ऑफ सीरीज ऑफ फोल्ड्स मतलब उन फोल्ड्स को क्या बोलते हैं सिली सॉरी क्रिस्टी द इनर माइटोकॉन्ट्रिलइेस ऑफ सीरीज ऑफ फोल्ड्स नोन एज नोन एज क्रिस्टी नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से सेल कॉम्पोन दिए हैं और उनके फंक्शन दिए हैं ये मतलब दोस्तों थर्ड नंबर का क्वेश्चन है जो कि रिपीट हो रहा है सेल कॉम्पोन पूछ रहे हैं और उनके फंक्शंस पूछ रहे हैं ओके सो अभी देखते हैं सेल मेम्ब्रेन का क्या है फंक्शन फ्रेंड्स एक्टिव ट्रांसपोर्ट मतलब यहाँ पर ट्रांसपोर्ट के लिए कुछ पूछा है ओके सो सेल मेम्ब्रेन एक्टिव ट्रांसपोर्ट पर्पल मेम्ब्रेन लाइट ड्रीवन प्रोटॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टरनी प्रोटीन ग्लाइकोसिलेशन सिस्टरनी प्रोटीन ग्लाइकोसिले ग्लाइकोसिलेशन एंड आउटर मेम्ब्रेन आउटर मेम्ब्रेन न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट फिर से देखिए सेल मेम्ब्रेन एक्टिव ट्रांसपोर्ट पर्पल मेम्ब्रेन लाइट ड्रिवन प्रोटोन ट्रांसपोर्ट सिस्टरनी प्रोटीन ग्लाइकोसिलेशन एंड आउटर मेम्ब्रेन न्यूट्रियन ट्रांसपोर्ट ओके ये हो गया हमारा क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर थर्टी टिकोक एसिड इज कंपोज ऑफ रिपीटेटिव यूनिट्स ऑफ मतलब टिकोइक एसिड जिसका स्ट्रक्चर है वो किससे बना रहता है मतलब उसका रिपीटेटिव यूनिट्स क्या होता है टिकॉइक एसिड्स का सो उसका सही आंसर है दोस्तों ग्लिसरॉल टिकॉइक एसिड इज द रिपीटेड यूनिट्स ऑफ ग्लिसरॉल ओके याद रखिए टिकोक एसिड ग्लिसरॉल नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन ब्रेक डाउन ऑफ नैग एंड नाम म्यूरामिक एसिड मतलब उनके लॉन्ग फॉर्म से नाग और नाम के याद रखिए लाइसोजाइम कैटालाइजिज द ब्रेक डाउन ऑफ नैग एंड नाम नेक्स्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म इज नॉट इंप्लॉय बाई प्रोकेरोटिस मतलब प्रोकैर में एक ट्रांसपोर्ट नहीं होता है जो कि है इंडोसाइटोसिस बट जो बाकी के तीनों भी ट्रांसपोर्ट मैकेनिज़म है वो सब होते हैं प्रोकैरट्स में लाइक पैसिव डिफ्यूजन हो गया ग्रुप ट्रांसलोकेशन एक्टिव ट्रांसपोर्ट ओके बट एंडसो एंडोसाइटोसिस ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म इज नॉट इम्प्लॉयड बाय प्रो नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट सीडेरो फोर्स इन बैक्टीरिया मतलब जो सीडेरो फोर्स रहते हैं बैक्टीरिया में उसके रिलेटेड करेक्ट पॉइंट बताना है हमें सो सीडेरो फोर्स फॉर्म कॉम्प्लेक्स विथ आयन्स इन द मीडियम ओके सीडेरो फोर्स क्या करते हैं कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं आयन के साथ ओके okay, मीडियम में लास्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा इस टॉपिक का द एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ सोल्यूट इन द सेल इज कैरेक्टराइज बाय इट्स अपटेक अगेंस्ट द कॉन्सट्रेशन ग्रेडियंट ओके मतलब एक्टिव ट्रांसपोर्ट मतलब क्या है दोस्तों ज़्यादा से जहाँ ज़्यादा है वो कम की तरफ जाएगा ओके okay, मतलब हाई टू लो कॉन्सेंट्रेशन लाइक दैट सो दू एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ सोल्यूट इन द सेल इज कैरेक्टराइज बाय इट्स अपटेक अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट ओके तो मिलते हैं दोस्तों न्यू सेकेंड पार्ट में उसमें हम बाकी के ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन जो बचे हैं वो देखेंगे तो मिलते हैं अगर इस चैनल को प्राप्त नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए थैंक यू